तो गाइस हम आज किचन में खाने की ड्यूटी पे रखे गए क्योंकि भाभी गई है किसी काम से बाहर, तो इसी के लिए हम आज किचन में है। वैसे हम यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि ससुराल में आने के बाद इस जगह पे हम ज्यादा नहीं रहते हैं, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं। तो चलिए हम खाना बनाते, तुम्हारे आज के खाने का मेन्यू है पनीर। हाँ तो पनीर की सब्जी और नान रोटी तो मिली हमारी खुशी से आज। खुशी हाय, तो आज मेरे साथ खुशी लगी है किचन में ड्यूटी में, तो वो मेरे साथ आज खाने में मदद भी करवाएगी मेरी और मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू भी करेगी। सो लेट्स गो, करते हैं प्रिपरेशन और बनाते हैं हमारा खाना। तो देख सकते हैं आप लोग हमें इस समय किचन में, और ये मेरी ससुराल का किचन। तो पहले हम आपको अपना किचन दिखाते हैं, और सॉरी जो बैक नॉइज आ रही है क्योंकि मेरे मोहल्ले में मेरे घर के पीछे मंदिर है, उसमें सुंदरकांड चल रहा है, ये उसी की आवाज़ है। लाउड स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं तो बहुत तेज लाउड आवाज़ आ रही है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम आपको दिखाते हैं हमारा किचन, फिर हम दिखाते हैं कि हम किचन में क्यों कर रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों ये है हमारा देसी के इंडिया किचन, तो जिसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनमें बहुत सारा सामान भरा होता है। तो देख सकते हैं ये है वो हमारा किचन, छोटा है बट बहुत सारे बुरी तरीके से भरा हुआ है, और इस किचन में आज ड्यूटी रखी गई है मेरी। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते। बहुत गर्मी है किचन में, मेरी दशा देखी है आप लोग। तो जब तक हमारी पनीर की सब्जी तैयार होती है तब तक हम लोग भटूरे की, ओह गॉड हम बार बार भटूरे बोल जाते हैं, सॉरी, नान की मैदा तैयार कर माल के रख लेते हैं। तो हम लोग मैदे में क्या बेसिकली दही दूध और इनो या सोडा फ्रूट्स और कुछ भी मिल जाता तो वो डाल लेते हैं जिससे उसमें इजिली उठ जाता हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसकी मैदा मार लेते हैं और जल्दी से इसकी दोनों छुट्टी पाते ताकि ये गर्मी से बच सके। तो चलिए हम मैदा मार लेते हैं, सब्जी भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो गाइस देखिए पनीर की सब्जी भी तैयार हो चुकी है, हमने सोचा आपको एक बार इसका फाइनल टच भी दिखा देते। देखिए ये ऐसी बनी है, कॉमेंट करके बताइएगा कैसी बनी मेरी सब्जी। बन चुकी है, मैदा मार के रख चुकी है, और इसी के साथ भाभी भी आ चुकी है, तो मेरा यहाँ से काम अब खत्म होता है, हम चलते हैं बाहर। तो चलो देखें बाहर सब लोग क्या कर रहे हैं। ओरियो ओरियो ऊपर देखो, बेचारा फाइनली ओरियो का पिंजरा आ चुका है और ओरियो बेचारे इसमें फंस गए हैं, और ओरियो के लिए घास की मैट भी आई है लेकिन इसने इसको सब नोच। सो गाइस आप लोगों को बता दें हम लोग कहाँ जा रहे हैं देव, अलकनाथ मंदिर। हम लोग जा रहे हैं अलकनाथ मंदिर घूमने क्योंकि हमारा जो बरेली है इसका दूसरा नाम है नाथ नगरी, यहाँ पे भोलेनाथ की खान है, यहाँ पे बहुत सारे भोलेनाथ के मंदिर हैं तो उन्हीं में से एक है अलकनाथ मंदिर। सो गाइस हम लोग अब सब रेडी हो गए हैं और चलते हैं। देखो फिलहाल भाभी हमारी छम्मक छल्लो बन चुकी है और यही राघव की मम्मी है, तो चलो अब चलते हैं सब लोग। चले रेडी, तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, बहुत शोर है ऐसे, ये रेलवे ट्रैक है इसको क्रॉस करके किसी गायत्री को बुला रही हैं, कोई बात नहीं हम आगे चलते हैं। जो ये देखिए ये है अलकनाथ बाबा का मंदिर, और ये देखते जैसे मेरी दिल्ली में बड़े हनुमान जी हैं बिल्कुल वैसे ही हनुमान जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी आज हनुमान जी का मंदिर है तो शायद सुंदरकांड चल रहा है। ये देखिए
देखिए भाभी बच्चों को लेके आगे आगे जा रही हैं। हाँ, हनुमान जी का मंदिर है तो यहाँ पे भी सुंदरकांड ही चल रहा है। काफी शांति है, काफी कम लोग हैं। पहले यहाँ ज्यादा लोग आते थे, अब उतने नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, अच्छा, रैकेट लेकर आई है साथ में, यहाँ बैडमिंटन खेलेंगी। ये देखिए, दिखाओ खुशी, बैडमिंटन खेलेंगी यहाँ पर। ये आई है यहाँ पे इंजॉयमेंट के पर्पस से। काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी शांति है। देखते हैं अंदर वीडियो बनाने देते हैं या नहीं, वैसा आपको बताते हैं। तो हम लोग अभी चल रहे हैं राधा कृष्ण का, यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर है, पिछली बार भी हम, ये देखिए सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में है। राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। हम लोगों को तो ये बहुत पसंद है, भाभी हमारी बहुत बड़ी भक्त है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। ये है यहाँ अलकनाथ बाबा का दरबार, यहाँ से शुरू होता है। कितना सुंदर है ना, ऐसा लग रहा है अभी दोबारा नया नया पेंट हुआ है, है ना, है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब क्या करना है तुम लोगों को, हैं? बैडमिंटन खेलोगे कहाँ पर, हैं? अच्छा वहाँ पे, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल पार्क जैसा बनाया हुआ है। तो अब हम सब लोग यहाँ पे खेलेंगे बैडमिंटन। ये देखिए कितनी शांति है ना यहाँ पे। देव स्नैक्स भी दिख जाते हैं कभी कभी। तुम्हें अभी मम्मी ने बताया था ना, रात में नाम नहीं लिया जाता, तुम फिर भी नहीं मानते हो यार। नहीं लिया जाता माँ, नाम अच्छा नहीं होता बेटू। फिर इसको ना कुछ कहने के लिए नहीं, क्या हो गया, ये देखो ये मेरे साथ प्रैंक कर रही है, ये नहीं पता इनके साथ जब प्रैंक होगा तो ये क्या करेंगी।
तो गाइस हम लोगों ने इतना बैडमिंटन खेला है कि थक गए हैं, और बैडमिंटन मेरा तो पोपट ही हो गया, मेरा तो पोपट हो गया बैडमिंटन खेलते खेलते। नहीं हम थक गए, हम नहीं खेलेंगे, तुम देव खेलो। हाँ साड़ी भी पहनी, तब भी ने काफी संभाल लिया, लेकिन साड़ी में नहीं था, लेकिन एक बस अच्छे औरतें कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी चीज कुछ भी पहन के कुछ भी कर सकती हैं, ये बात प्रूव कर दी है आज। तो इसी बात पे आप लोग प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देख लीजिए औरतें चाहे साड़ी पहने, चाहे सूट पहने, चाहे जीन्स पहने, वो सारे कपड़े पहने और हर कपड़े में कंफर्टेबली कोई भी काम कर सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग घर चल रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है आए हुए, तो चलिए घर चलते हैं। ये बार बार पोपट सीखा है इन्होंने, एक नया पोपट पोपट करती रहती हैं हर बात पे। अरे नहीं बेटू देर होगी, घर भी चलना है ना, क्योंकि एक तो कोई आया नहीं साथ में, हम सारी लेडीज पार्टी जिंदाबाद बन के चले आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या आप घर ही चलते हैं, बहुत थक गए हैं। तो चलिए अभी खुशी ने तुमको बोला था कि रात में जो नाम नहीं लेते हैं, यहाँ नहीं खेलेंगे, यहीं पर खेलेंगे। हाँ चलो ऐसा लग रहा है कि आ गई है ट्रेन, क्योंकि क्रॉसिंग बंद हो गई है, और जब क्रॉसिंग ओपन होगी उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलो चलते हैं आगे। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ नमो सूताय विद्महे पञ्चदीभूताय च धीमहि तन्नो भगवत् प्रचोदयात्। ॐ रामदूताय विद्महे पञ्चदीनन्दनाय च धीमहि तन्नो भगवत् गए। घर वापस आ गए हैं, थक बहुत गए हैं, शक्ल देख सकते हो आप। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस कपड़े अपड़े बदल लिए हैं, अब हम खा रहे हैं खाना, हमारी पनीर की सब्जी और नान रोटी। जैसा हमने बताया था कि हम बना रहे हैं, तो ये रोटी हमने बनाना सीखी, बरेली में बनाई और सबको पसंद आई। तो आज पिछले दो बार पे ये डिश बन चुकी है कि पनीर की सब्जी और रोटी। अब ये खाना खाते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। सो गाइस रात का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर आपने मेकअप किया है, आप कहीं गए हैं, तो रात में आके अपना मेकअप रिमूव ज़रूर करिए। अगर नहीं करेंगे तो पोर्स बंद हो जाएंगे, पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रात में सोते समय सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करिए। तो मैं करती हूँ ग्लैम विस्ता का, ये है क्लेंजिंग ऑयल टू फॉर्म। तो इस तरीके से होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। तो गाइस रात के 12 बज गया है, और आज का ये ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हम बैठेंगे इसके बाद एडिटिंग पे, और आप सभी को पता है कि अभी एडिटिंग सारी मेरी फ़ोन पर ही होती है। तो अब रात में बैठूंगी, उसके बाद करूंगी एडिटिंग, फिर सुबह तक आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।